मैम इसका आउटपुट हमने आईओबी से लिया है इंटरनेट मशीन से, ताकि ये किसी मोबाइल में कंफर्टेबल हो चुके और मैम एक्चुअली ये एक ये कौन सा फिंगर रखना है कोई सा भी रख देते हैं पल्स रखना है तो यहाँ पे इसमें ग्राफ शो करता है रिमोट लोकेशन से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी ये स्टेबल नहीं हुआ पहले कर रहा था ना पल्स होता है, अगर इसमें हम कोडिंग करके ये और कर सकते हैं, अगर किसी डेंजर रेट से अगर हमारी पल्स ज़्यादा जाती है तो ये अलर्ट भेज देगा हमारे किसी भी मोबाइल पे। मैम इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से फ्रैक्चर होता है। मैम सर इसमें हम लोग प्रोसेसर का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं, तो मैम बार बार फ्लैक्चुएट कर रही है, आप प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं। और ये आपकी तुमने दो तीन डिवाइस लगाए थे, दो तीन डिवाइस पे दिखा रहा है लेकिन जिस भी मोबाइल में हम लोग इसका अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आई होगी जो भी वैल्यू ये ले रहा है उसका एक ग्राफ बना दे रहा है, जैसे कि ये रेंज है इसकी और मैम नीचे टाइम चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये नोड एमसीयू है जो कि इस डेटा को इंटरनेट पर ट्रांसफर कर रहा है। और फिर बाकी काम आप इससे करवा देंगे।
IR ट्रांसमीटर यूज़ किया है, एक IR रिसीवर यूज़ किया है। IR जो ट्रांसमीटर है वो लाइट एमिट करेगा इंफ्रारेड लाइट और ये उसको रिसीव करेगा। जब इसके बीच में कोई लाइट नहीं आएगी तो फिर ये क्या कर देगा, हमें अलार्म वो सामने देगा। तो ये क्या, ये लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट यहाँ गई। हाँ हमेशा कर रहा है, क्या हो रहा है कि जब ऑब्स्टेकल रख रहे हैं तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसके पास जा रही है, जो उसे ट्रांसमिट करके रिसीव कर रहा है। मतलब ये ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ से लाइट जाके उसे टकरा रही है, फिर ये रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद हमने LM35 यूज़ किया है जो कि एक ओपन IC है। इसमें जो फर्स्ट पिन होता है वो आउटपुट पिन होता है, फोर्थ वाला ग्राउंड होता है, एट वाला हमने पावर सप्लाई को दे दिया है और टू और थ्री एक इनपुट है जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर से ले रहा है और एक ट्रांसमीटर से ले रहा है। सेंसर है ये आर्डिनो हमने यूज़ किया है तो हमने इसमें कोड कर दिया हुआ है, तो अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये डिटेक्ट कर देता है और बता देता है कितने डिस्टेंस पे है। जैसे कि अभी ये नॉर्मल पे है, अभी ये मैम वेदर साउंड करने लग गया है और यहाँ डिस्टेंस दिखा देता है कि कितने डिस्टेंस पे है। अभी 18 पे है, बढ़ा देंगे। अब तो सर कंटिन्यूस बजर क्यों दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैम ये आर्डिनो ट्रांसमिट कर रहा है उसका दिखा रहा है। नहीं मगर तुम्हें तो बजर मतलब कंटिन्यूस नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है मतलब ये कोई और ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर रहा है क्या? क्योंकि आप देखिए कंटिन्यूस के लिए ओके आप बताओ आप ये क्या आर्डिनो का कोडिंग सिस्टम है? और ये कौन सी सेंसर है? इसकी इंटेंसिटी Thank you.
टाइप हो गया एम्बिएंट टेंपरेचर हो गया ना। अगर ये वाली है जो प्लेन साइड होता है तो उसे अगर हम लोग अपने सामने रखें तो एमिट जो मैम बिल में बेस होता है उसके राइट साइड पर एमिटर होता है और लेफ्ट साइड पर कनेक्टर होता है। मैम ये जो बी सी साइड पर करना चाहिए तो उसमें बेस हम तो टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस 1 के मोड पे जब हम लोग मैम इसको टच करेंगे मतलब तो एलईडी ऑन ऑफ हो जाएगा जैसे कि सेंस करेगा सर की आउटपुट हमारे सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट हो जाएगा
Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. This is my project. I have proximity sensor using infrared light. In this scenario, we are using infrared to receive and transmit our infrared waves. If any object comes in the range of the infrared, it will reflect the infrared and the receiver will detect the infrared and the LED goes on. मैम अगर कोई obstacle इनके 2-3 cm के बीच में आता है तो ये हमको detect कर लेता है उस obstacle को. इसके कौन सी यही है, इसकी range ज़्यादा नहीं है अभी और ये light में काम नहीं कर पाता है अभी. कितने तक तुम्हारा लिमिट क्या है? 5 meter तक के लिए किया है. चला गया. अच्छा, रन करेंगे इसको फोर मिनट. और ये क्या यूज किया है? ये इधर से लोग बेटा आ जाए ना, तुम लोग भी आ जाएंगे. इसके नंबर स्पेसिफिकेशन कुछ नोट कर जैसे अगर हम थर्मल स्टार्ट होते तो पेन आता है. जैसे मैं अगर मान लो बोल रही हूँ कोई आगे सेंसर तो उसका कुछ नहीं आता. जैसे बताए तो कमी कर दी है कोई तो एक नंबर होता था उसमें अगर सेंसर नहीं डायमीटर बेस है और अगर मान लो तो आप स्टेट में रहते हैं तो पहले वाले पर लगेगा.
ये स्विच की तरह काम करेगा, ये लाइट बल्ब है, यहाँ से जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास करेगा तो ये ऑन या ऑफ होगा। जैसे अभी इसलिए ऑन है, इसके अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट पास होगा तो ऑफ हो जाएगा, और फिर से कोई चीज़ आपके पास होगी तो ऑफ हो जाएगा। स्विच है जैसे रूम के बाहर लगा लीजिए, रूम में अगर एंटर कर रहे हैं तो वो ऑन हो जाए, और जैसे लीव कर रहे हैं तो ऑफ हो जाए अपने आप। क्योंकि मोशन के साथ हो रहा था तो मोशन जाता है, तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ गया। आईआर सेंसर मॉड्यूल है, आईआर सेंसर। कॉन्टेक्ट में आएगा ये मैं यहाँ से मिल जाएगा, जो डी सी वाटर पम्प ऑन होगी और वहाँ से जो सैनिटाइजर वो बाहर कॉन्टेक्ट मिल रहा है। मैम इसके एक डिसएडवांटेज है कि मतलब जैसे ऑब्जेक्ट लगाए गए तो ये गिरता ही जा रहा है, तो इसमें हम टाइमर ऐसे भी लगा के मतलब एक टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर है कितनी देर में वो गिरता जा रहा है, तो मैं बाकी मॉडल में ऐसा लगा तो 2 मिनट बाद बंद कर देता हूं, तो मैं उसमें टाइमर ऐसे ले लेता हूं, तो ड्यूटी लगा का टाइमर भी ऑन हो जाएगा। नंबर 41F219 लगा अभी कोई मैंने के कर रहा है ना कुछ तो सही कर रहा है ना वो, हाँ ठीक है अपडेट करो। हाँ तो तुम्हारे इसकी प्रॉब्लम नहीं है सर्किट की, सर्किट की प्रॉब्लम नहीं है। मैम कंटिन्यूस अगर रोटेट करते रहेंगे तो मैम वाइड एंगल कवर कर लेगा, तो अभी मैम मैंने इस पर फिक्स रखा है 15-165 एंगल पर, ताकि मैम ये सर्वो मोटर है 180 पे थोड़ा मैम अटकता है थोड़ा, तो वो ना हो इसलिए मैंने 15 में मार सकता। मैम एक एंड पॉइंट पे पहुंच करके पावर मैम सर्वो मोटर हायर अलार्म यूजिंग 20 प्रोसेसर, इसमें हमने आईसी लगाई LM3582, इसमें दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल,
और आउटपुट। तो हम जैसे इसमें लाइटर जलाया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें करंट की सप्लाई बढ़ जाएगी, नहीं रेजिस्टेंस कम होगा, करंट की सप्लाई बढ़ जाएगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। हाँ बताओ, बता रहे लाइटर जलाया जो ये पोटेंशियल पोटेंशियल मीटर है, ये बाजार फाइव वोल्ट पे चल रहा है, फाइव वोल्ट नहीं पूरा सर्किट का नंबर थर्मिस्टर का वैल्यू 10 के है, 10 के एनटीसी 10 के। और ये है 10 माइक्रोफैरड की, ये कौन सी कैपेसिटी है?